रात में 11 बजे हमको बुलाया, पूरे दिन थके हुए। ये सब चीज जो सर सम्मान देते हैं कार्यकर्ता को, नेता को, ये बहुत बड़ी बात और सीखने की जगह है। वचन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करूंगा। जहां भी मुझे निर्देशित किया जाएगा, मैं पार्टी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। और निश्चित तौर पर मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि जो आपका विचार था वो जमीन पर उतरे, पार्टी के आपसे लाभ होगा, पार्टी के क्या काम करेंगे। अब निश्चित तौर पर आप सपना देखते हैं समाज सेवा करने का, निश्चित तौर पर आने वाला समय जो होगा उसमें आपको अवसर दिया जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 7 तारीख है और आज वीआईपी में शामिल हो गए हैं पनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा। देखिए, हमने आपको कल ही बताया था कि आज वीआईपी का मिलन समारोह है और आज पटना के होटल मौर्या में बड़ा कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया था और अभी अभी वीआईपी की सदस्यता ले ली है संजीव मिश्रा ने। देखिए, इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वो भी हम आपको सुनाएंगे और साथ में हम आपको ये भी सुनाएंगे कि वीआईपी की सदस्यता लेते ही क्या कुछ कहा है पनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा ने। तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं संजीव मिश्रा और उसके बाद आप ये भी सुनिएगा कि क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने। और ये आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मीडिया पर जो सामने बैठे हुए हैं और हमारे छात्रों से बहुत मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, सभी लोग आए हैं। सभी का इस कांग्रेस जो मिलन समारोह है उसमें आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। ये क्षण मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये जो हमने निर्णय लिया है, ये कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2018 से सर के फेस से मैं जुड़ा हुआ हूं। सर की जो सोच है, जो इतनी एक्टिविटी है बिहार को लेकर के, क्योंकि ये एक खुद एग्जाम्पल है बिहार में, जीरो से हीरो तक का इन्होंने जो सफर तय किया है, ये हमारे जितने भी योग है ये सीखने की जरूरत है। इसी से मैं इंस्पायर्ड होकर के, क्योंकि सर का जो संघर्ष समय है वो एक सीखने लायक है हमारे योग के लिए, और इनका जो सर का जो विजन है, सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें सर ने वीआईपी परिवार में शामिल किया है। मैं सर का बहुत 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 दिल से आभार, धन्यवाद, और मेरे बड़े भाई के रूप में मैं देख रहा हूँ। और सर का जो कुछ चीज मैंने देखा है, जो मुझे इंस्पायर किया पार्टी ज्वाइन करने, कुछ दिन पहले की बात थी, सर का कार्यक्रम लगा हुआ था समस्तीपुर की तरफ और मीडिया के कुछ साथी ने सर से बात कर रहे थे कि संजीव आया है मिलना चाहता है, और सर रात में 11 बजे हमको बुलाया, पूरे दिन थके हुए थे। ये सब चीज जो सर सम्मान देते हैं कार्यकर्ता को, नेता को, ये बहुत बड़ी बात और सीखने की जरूरत है। और सर का जो सफर रहा है, विरासत में सर ने कुछ हासिल नहीं किया है, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा लकड़ी खींच लिया है सर। और मेरी भी कहानी लगभग इसी से मिलता जुलता है। इन सब चीजों को हमने सोचा और पार्टी का जो विकासशील पहला ही सब झकझोरने वाला है, सिखाने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। इसी से इंस्पायर होकर के इस परिवार का आज सदस्य बन गया हूँ। मैं सभी पार्टी के पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूँ, खास करके हमारे पार्टी के जो सदस्य
विमो है। मैं आज आपको इस हॉल में वचन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करूंगा। जहां भी मुझे निर्देशित किया जाएगा, मैं पार्टी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। और आपका जो विजन है समानता की, आप सबको जो निचले पैदा पर बैठे हुए लोग हैं उनको समानता और अधिकार की बात जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था, उस विजन को लेकर जो आप चले हैं, हम आपके साथ हैं। बाकी हमारे नेताजी बोलेंगे, मेरा बोला नहीं होगा। बहुत बहुत बिना मीडिया के साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। खास करके जो हमारे छापापुर से लालू जी आए हैं, राजू भाई, जयदीप कुमार जी, उमेश शादी जी, बहुत साथी आगे मिश्रा जी, डॉक्टर राघव जी, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप उनको बुला नहीं लेंगे क्योंकि नेता जी को बोला है और मीडिया के साथी को कवर करना है, तो बहुत लंबा नहीं बोल सकते हमारे डिस्कशन है। सभी को अपना बहुत बहुत बधाई और खास करके उदयपुर के जितने भी नेता पदाधिकारी हैं, आपने हमें इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, इसके लिए मैं आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बीजेपी पार्टी का नेता अरविंद चौधरी जी, बीजेपी पार्टी का वरिष्ठ नेता तेजस्वी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव चौधरी जी, विकास सिंह जी, उत्तर प्रदेश से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, राजा रवीन जी, अर्जुन सहनी जी प्रताप जिला के अध्यक्ष है, और यहाँ पे छातापुर से बड़े संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सभी नेतागण उपस्थित हैं और मीडिया के साथी। आज आप सब जान रहे हैं कि आज कोरोना ग्रुप के संस्थापक संजीव मिश्रा जी आज गैपी पट्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए गैपी परिवार में आप आए हैं। निश्चित तौर पे आपके आने से कोसी तो मजबूत होगा ही, साथ ही पूरे बिहार में बड़ा मैसेज आ रहा है कि वीआईपी पार्टी मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए, अपने विचार को लेकर, सभी जाति सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ने का हमेशा निरंतर काम हम लोग कर रहे हैं। अक्सर लोग वीआईपी पार्टी को एक जाति से जोड़ देते थे, ये निश्चित तौर पे निशा समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते आज एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हमने किया है। एक जाति का नेतृत्व निश्चित तौर पे है, लेकिन इस पार्टी में आप मंच पे देखेंगे तो सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं और हम भी बिहार के भलाई के लिए, 13 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं और हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों का पार्टी का मकसद है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार ही आगे बढ़े। हम लोग अपने गाँव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाके मजदूरी किए हैं और मजदूरी करकर इस मकान तक हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग चाहे थे कि अपने राज्य में, अपने राज्य के युवा को रोजगार मिले, अपने राज्य में अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ रहे, और इसके लिए सिर्फ मुकेश सहनी काफी नहीं है, हम तमाम 13 करोड़ जनता को इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो पोलिटिकल पार्टी है उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। पोलिटिकल जो कार्यकर्ता है उनको जो जवाबदेही होते हैं, संजीव मिश्रा जी सामाजिक स्तर पे बहुत ही बड़े संख्या में काम कर रहे हैं, एक बिहार जैसे जगह पे उद्योग का डाल बिछा रहे हैं, जो शहर में आप दिल्ली मुंबई बैंगलोर कलकत्ता ऐसे जगह पे जिस तरीके से घर आसियाना को आप देखते हो तो वो आसियाना संजीव मिश्रा जी पूर्णिया में बना रहे हैं, बिहार के अलग अलग गुना में बना रहे हैं। तो संजीव जी के पास एक बड़ा विजन है और उस विजन के तहत सामाजिक उद्योग के काम तो कर ही रहे हैं और अभी भारतीय तौर पर मजबूती से आए हैं। निश्चित तौर पर मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि जो आपका विचार था वो जमीन पर उतरे, पार्टी के आपसे लाभ होगा, पार्टी के लिए आप काम करेंगे। निश्चित तौर पर जो आप सपना देखते हैं समाज सेवा करने का, निश्चित तौर पर आने वाला समय जो होगा उसमें आपको अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा और ताकि सब बिहार आगे बढ़े, हम सब लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पुनः मंच पे सभी उपस्थित सभी नेतागण और संजीव जी को विशेष बधाई। छातापुर का बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे सब आए हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के साथी को धन्यवाद देता हूँ
कि आज गरीब पिछड़ा वर्ग की आवाज के काम पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं फिर से हमारे पार्टी को सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लोग आते हैं सबका अपना एक विजन होता है, और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टी में नेता आए और वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब नहीं, तो पार्टी में आए चुनाव लड़ने का हर एक कार्यकर्ता इच्छा होना चाहिए और उस इच्छा के तहत पार्टी को बड़ा करने के लिए सब लोग काम करें। और निश्चित तौर पर पार्टी में जब चुनाव लड़ने का समय होता है तो उस समय में कार्यकर्ता को भी ढूंढा जाता है, कार्यकर्ता को भी लड़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पर संजय जी आए हैं, हमारे हाथ को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, और निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ने का समय आएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी के नेता सभी गंभीरता से विचार करेंगे, सक्षम भी है, मजबूत भी है। और निश्चित तौर पर आज ही जब जैसे बैठक हो रहा है तो वहाँ का स्थानीय हम देख रहे हैं कि नेता को अनाप शनाप बात रख रहे हैं, तो मतलब आज से ही कर उनको फैल चुका है, उनको फैल चुका है, तो मुझे ये चीज का खुशी मिल रहा है कि हम एक अच्छे नेता को क्षेत्र से लिए हैं, जिसको देखकर एक मंत्री और एक विधायक को पसीना छूट रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और संजय जी मंत्री से हमारे जी आपने कहा है कि आपकी पार्टी को एक ज्ञानी का पार्टी कहा जाता है, जो आप खुद जो है अपने बैनर पे दिखा रहे हैं सन ऑफ मल्ला, और आप कहते हैं कि आप बिहारियों की बात करते हैं, तो क्या सन ऑफ बिहार हो सकता है सन ऑफ मल्ला? निश्चित तौर पे अगर बिहार से बाहर जाके पूछेगा तो हम सन ऑफ बिहार है, इंडिया से बाहर अगर हम जाते हैं तो हमसे पूछेंगे तो हम सन ऑफ इंडिया है, तो ये हमारे नाम है, उसके साथ टाइटल लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं मिलता, हम बिहार में है तो, और जिस जाति के धर्म लिए हम सबसे करते हैं मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। मुकेश जी एक सवाल है आपसे कि क्या अब आपकी पार्टी मायावती के तर्ज पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी? निश्चित तौर पे जितने भी सामाजिक न्याय के लिए जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाए और काम किए हैं सभी को हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, और निश्चित तौर पे पार्टी जो होता है एक जाति का नहीं होता, एक धर्म का होता है, पार्टी सभी के लिए है। जैसे हम मंत्री बने तो आपको पता होगा कि हमारा मंत्री बनने का योजना जो है सभी जाति धर्म के लिए हमने किया था, तो आज पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग दे रहे हैं। पूर्व में भी देखिएगा लोकसभा इलेक्शन का समय देखिएगा या उससे पूर्व 2020 का विधानसभा चुनाव देखिएगा, 11 सीट मिला था, हम सभी जाति धर्म के लोगों ने टिकट दिया है, और आने वाला समय में भी सभी जाति धर्म के लोगों को धोखा देंगे, और पार्टी जो है सभी जाति धर्म के लोगों का। संजीव मिश्रा जी से सवाल, आपको पार्टी की ओर से पूरे बिहार में कैंपेन करेंगे या फिर कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी की तरफ से कोई जो भी मुझे आदेश मिलेगा, ड्यूटी मिलेगा, मैं उसको पकड़ूंगा। तो बहुत बड़ी कोशिश समस्या उसी तरह की पार्टी नहीं, जहाँ से मैं छात्रपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ जो बेसिक जरूरतें आपकी बात करते हैं, हमारे नेता लगातार शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार कल्याण की बात करते हैं, वो सबसे पहले हमारा छात्रपुर है, और सिर्फ छात्र ही को नहीं, कोशिश हिमाचल में जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों का उससे भी अच्छा है, इसके लिए हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं, और बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, पलायन उठे, लोगों को रोजगार मिले, और ये जो अवसर शाही है वो का। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संजीव मिश्रा, क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने, तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।